हेलो बच्चों, मॉक टेस्ट 16 जी आरटीएस 241 मॉक टेस्ट 16 पे आ गए हम लोग। चलो बेटा, आप तैयारी जीत की। हाँ, धीरे धीरे सारी चीजों को समराइज करते जाओ, धीरे धीरे क्या है सबको रिवाइज करते जाओ। जितना रिवीजन होगा उतनी अच्छी रैंक आएगी। आर फॉर रिवीजन, आर फॉर रैंक, ठीक है, और उतना ही बेस्ट रिजल्ट होगा। तो रिवीजन करते रहिए, छोटी छोटी चीजों को, फार्मूलों को याद करते रहिए। इससे बहुत टेंशन नहीं कि ये छूटा है वह छूटा है, उसको एकदम ना ध्यान दें। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करें बेटा, जितना हो सके उसको रिवीजन को। और याद रखिए, कोई चैप्टर छूटे ना, कोई सिलेबस छूटे ना, क्योंकि आप ध्यान रखिए क्या 85% कट ऑफ है, तो इसलिए सब पढ़ते रहिए। आइए चलिए चलते हैं, बातचीत करते हैं क्वेश्चनों की दुनिया। क्वेश्चन, कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, कितना हाइट ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक जी कॉन्स्टेंट विद वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज, वर्क डन बाई क्या, वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। तो बेटा, अगर कोई ड्रॉप ऊपर से गिर रही है नीचे, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, mgh, ये तो अपना फिक्स है mg है काम, और mg भी नीचे है, h भी नीचे है, तो ये वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये वर्क कितना हो जाएगा, ये देखिए 10^-3 हो जाएगा, g कितना है 10 है, h कितना है 10^3 है, तो कुल मिला के 10 जूल हो गया। अब यहां कह रहा है रेजिस्टिव फोर्स के कारण, तो आप जानते हैं रेजिस्टिव फोर्स तो हमेशा अपोज करता है, तो रेजिस्टिव फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, w इक्वल टू इसके कारण वर्क डन और माइनस क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो कितना हो गया 10 हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम 10 माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब एम कितना है भैया, जरा देखिए, एम है हाफ 10^-3, यू कितना है जरा बताइए, यू का मतलब है 10^2, 10^2 का मतलब कितना हो गया 100, सब कट बिट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10^2 कितना है 100 है, ये देखिए 10^-1 बचेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10^-1.25 8.75 आ जा रहा है, ठीक है ना, तो ये कौन सा आ जा रहा, तीसरा, तो ये आपका वर्क डन हो गया। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटालिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओरिजिन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर डिक्रीज, कंडक्टिविटी, तो बेटा एक बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होती है, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आर इक्वल टू क्या होता है आर नॉट 1 + αT होता है, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ये देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है, तो एक चीज तो सही, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर डिक्रीज, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है, कंडक्टिविटी घट रही है। रीजन असर्शन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटालिक वायर डिक्रीज एट द टेम्परेचर, अब आप जानते हैं जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू एन ई वी, देखिए एन ई वी एन होता है जे इक्वल टू, और ये कितना होता है भैया, इसको आपको पता होगा वी इक्वल टू सिग्मा ई, ये पता होगा जे इक्वल टू, ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सिग्मा में क्या रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बताओ अगर सिग्मा घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, घटेगी, और सिग्मा घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी, देखिए सिग्मा अगर घट रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है, घटेगी, यानी इसमें कौन सा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, देख नहीं रहे हो करेक्ट नहीं एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए इसमें बी नहीं ए सही है, ये सही है, देखो भाई जे इक्वल टू एनी वी सिग्मा ई, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। तीसरा तीसरा देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकली एंड देन रिलीज द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस वाई, ये बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है भैया हाफ एम वी स्क्वायर, अब देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2as, क्यों भैया पार्टिकल कहां से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, ये देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ay हो जाएगा, ए कितना हो जाता है जरा बताएंगे, एम ए कितना हो जाएगा क्यू वी बाई एम हो जाएगा, क्यों, और ये वाई, ये देखिए 2 से 2 कट गया, एम से एम कट गया, क्या आ गया क्यू ई वाई आ गया, क्यू ई वाई आ गया। फिर इसके बाद फोर पे चलते हैं, फोर क्या कह रहा है, ध्यान दे फोर में कह रहा मैच द फॉलोइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आपका द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेरियस पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे का रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या हो गया,
रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, द रूट मीन, हाँ पढ़ाया था हमने आपको, बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अंडर रूट, ये देखिए आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस डैश डैश आर एन का स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ये आपको सिखाया था रेडियस ऑफ गायरेशन। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था क्या, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी, सही बात है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है यानी ये देखिए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, याद करिए एल बाई टू एम हमने बताया था, और टॉर्क क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस का, मतलब ये पहला वाला सही है, ठीक है। फिर उसके बाद पांच पे चलते हैं, पांच क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज इन क्यू एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज पी, इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डाइपोल मोमेंट मतलब ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट इसी के डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है जीरो डिग्री। करा द फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्पेक्ट, फोर्स तो जीरो होगा बेटा क्योंकि जितना फोर्स इधर होगा उतना ही फोर्स इधर होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण फोर्स जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो का मतलब वन यानी माइनस पी, माइनस पी का मतलब कौन सा सही होगा तीसरा, जीरो एंड मिनिमम, जीरो एंड मिनिमम। इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस, हाँ देखना बहुत लोग गड़बड़ किए होंगे इसको, याद रखिएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही पूछा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसे बड़ा होता है, हाँ देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूरा उम्मीद है बहुत लोग गड़बड़ किए होंगे, हाँ क्योंकि एक साल आया था एक कंपटीशन में तो बहुत बच्चे ने इसको गलत किया था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वह न्यूक्लियर फोर्स से बने होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहां कूलम्ब फोर्स होगा, कैसे होगा कूलम्ब फोर्स होगा। फिर स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन द टेबल, स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन द टेबल विदाउट स्लिपिंग, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी कहा जा रहा है रोटेशन, रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा के आर अपॉन के क्या हो जाएगा टोटल, के आर कितना हो जाएगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर भाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर भाई कितना आर स्क्वायर, ये कट गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्फेरिकल बॉल है, जब कुछ नहीं कहा है तो सॉलिड स्पीयर होगा, हाँ कहा सॉलिड स्पीयर होगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू बाई फाइव होता है, वन प्लस टू बाई फाइव कर लो या इसको क्या कर जाएगा टू बाई सेवन आ जाएगा ना, हाँ तो ध्यान दें। आठवां क्या कहा जा रहा है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, सही बात कर रहा है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज ऑलवेज द सेंटर ऑफ बॉडी, नहीं भाई बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके सेंटर पे हो, अप डाउन भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के हाँ बाहर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एल लेंथ की रॉड है तो उसके अंदर होगा, लेकिन एल लेंथ को ऐसे बना दिया जाए तो अब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां क्या है असर्शन सही है, रीजन क्या लग रहा है गलत लग रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला है, ठीक है। नवा देखिए क्या रहा, सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज, देखिए छोटे छोटे सब प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन है, तो क्या कर रहा है सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन इज 0.0866 U, एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज, एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज, तो अब देखिए भैया एनर्जी लिबरेट, पहले आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाला जाएगा जरा बताइएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 पर यू कह रहा है, तो पर यू का मतलब ये देखिए रिएक्शन इसमें कैसा हो रहा है 1H2 1H2 यानी मिलकर 2HE4 2HE4, ठीक है भाई 2HE4 हो रहा है, 2HE4 हो रहा है, तो इसका मतलब चार से यहां डिवाइड कर दिया जाएगा, चार से यहां क्या है डिवाइड कर दिया जाएगा, जब चार से यहां डिवाइड कर जाएगा तो ये देखिए सब आंसर आ जाएगा यहां पे 6.6 पर यू कहा जा रहा है। नाइन के बाद टेन देखते हैं, टेन क्या कहा जा रहा है, द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन कितना होता है बेटा, सेकंड ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल टोन फर्स्ट फिर सेकंड, यानी 3BY कितना हो जाएगा ये 2L- हो जाएगा, किसके इक्वल हो गया देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हो गया 135 बनता है तो 3BY कितना हो गया 4L हो गया, करा दोनों आपस में बराबर है, 3B/2L- और ये देखिए 3B/4L आपस में बराबर कट गया तो L- इक्वल टू कितना आ जाएगा 2L, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ये टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन बेस्ट होगा ये याद रखिएगा। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन अज्यूमिंग g इक्वल टू 10 द वेलोसिटी ऑफ व्हिच हिट्स द ग्राउंड, तो अगर मान लीजिए यहां से कोई बॉल रिलीज हो रही है और ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो v इक्वल टू किससे हिट करेगा √2gh से हिट करेगा, यानी v इक्वल टू √2g कितना हो गया 10 हो गया, h कितना हो गया 20 हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कौन सा आ जाएगा p। 11 के बाद 12 देखिए,
हाँ 12 क्या कहा जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको क्लास में बताया है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी बताया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर फिल्ड ये हो जाएगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। 12 के बाद 13 देख लीजिए क्या है। हाँ 13 का, 13 ध्यान दीजिएगा, 13 में टू चार्ज Q1 एंड Q2, फिगर नहीं दिया है, क्लास में मैंने फिगर आप भेज के बनवाया है इसका फिगर। तो कह रहा है दो चार्ज Q1 Q2 हैं प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से, ये देखिएगा Q1 दिया गया है और ये क्या दिया गया Q2 दिया गया है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पे है, कितने हैं 30 सेंटीमीटर पे, और Q3 जो है इससे कितने पे है 40 सेंटीमीटर पे, कितने से है, और इसको ऐसे लाया जा रहा है एक आर्क पे, आर्क का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वह 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि अगर सी से डी ला रहे हैं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, Q3/4πε0 के है, करा के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम डी पॉइंट पे जरा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, और डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 को बाहर कर ले बेटा। अब मान लो डी पॉइंट पे आ गया है चार्ज Q3, तो Q3 और Q2 के बीच में होगा, ये बताओ Q3 और Q2 के बीच में upon 0.1 हो गया, प्लस Q3 और Q1 के बीच होगा, ये देखो Q3 और Q1 के बीच कितना हो गया, Q3 और Q1 के बीच 0.4 हो जाएगा। फिर C पॉइंट पे देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, C पे 1/4πε0 C पॉइंट पे, देखिए C पॉइंट पे इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए बच्चा, 50। तो Q3 और Q2 के बीच का कितना हो गया बताओ, Q3 Q2 upon 0.5 प्लस इसके और इसके बीच का, Q3 और Q1 के बीच का, ये क्या हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन कितना 0.4, Q3 Q1 अपॉन 0.4 हो जाएगा। अब इनका चेंज बताइए क्या है, इनका चेंज क्या आ रहा है, माइनस माइनस Q3 Q1 बाई, ये तो कट गया, ये तो कट गया, UD माइनस UC कितना हो गया बताइए, 1/4πε0 1/4πε0 बाहर हो गया, ये देखिए Q3 और Q2 हो गया, ये क्या हो गया 1/0.1 - 0.5। सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी पूरी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में Q3/4πε0 के। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ Q3 की वैल्यू आ जाएगी, Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q3 की वैल्यू सॉल्व करने पे 8Q2 आएगा, तो इसमें क्या 13 का सी दिया, क्या गलत दिया है, 8Q2 होगा, कितना होगा 8Q2 होगा सॉल्व करने पे। अरे भाई Q3 कट ही जा रहा है, Q2 बचेगा, 8Q2 बचेगा। फिर 14 क्या कहा जा रहा है बेटा, 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइस डायोड, तो याद रखिए जिसमें पी टाइप हायर पोटेंशियल पे होता है, एन टाइप लोअर पोटेंशियल पे, वही फॉरवर्ड बाइस होता है। तो ये देखिए ये हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या है लोअर पोटेंशियल पे है, इसी को हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फॉरवर्ड बाइस। तो ये बताइए 14 का कौन सा सही होगा, 1 सही होगा। फिर आ जाते हैं 15 पे, देखिए क्या कर रहा है बेटा, करा द वॉल्यूम वी ऑफ द मोनोटॉमिक गैस वेरी विद द टेम्परेचर टी शोन इन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब व्हेन इट इज अंडरगोज द चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो इसका मैंने शॉर्टकट भी फार्मूला बताया है, या आप ये कह सकते हैं देखिए इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो इस पर वर्क डन कितना हो जाएगा, ये बताइए वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा म्यू आर डेल्टा टी, ये देखिए म्यू आर डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा म्यू सीपी डेल्टा टी हो जाएगा, म्यू सीपी क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, सीपी कितना होता है F/2R होता है, डब्ल्यू इक्वल टू देखिए डेल्टा क्यू हो गया, सीपी इक्वल टू, हाँ सॉरी नहीं, सीपी इक्वल टू F/2R होता है, सीपी कितना होता है F/2+1R। तो यहां से ये देखिए म्यू म्यू कट गया, डेल्टा टी कट गया, आर से आर कट जाएगा, इसका मतलब यहां पे क्या बचेगा, कौन सा गैस है भाई मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है 3 होता है F/2+1 3/2+1, बाकी सब कैंसिल हो गया, 3/2+1 का कितना जाएगा 5/2 आ जाएगा, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2/5, कितना हो गया 2/5 आ गया, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी मैंने क्लास में आपको बताया है। तो 15 के बाद 16 देखिए, इसमें देखिए करेक्शन है, क्लास में आपको करा दिया गया होगा कलेक्शन, इसकी जगह F इक्वल टू क्या है μ0/2πI1I2L/Y कितना है R है, ठीक है। तो क्लास में करा दिया गया, बायो सेवर्ट लॉ सभी लोग जानते ही हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ सब लोगों को पता ही है, फोर्स बिटवीन ई ए हो जाएगा, अब लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा ये सबको पता ही है, अब आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया 16 के बाद 17 देखिए, पर्सन सिटिंग इन ए ओपन कार मूविंग एट द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, द बॉल विल फॉल एग्जैक्टली इन द हैंड, जैसे मान लीजिए अगर बॉल को हम जैसे ट्रेन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हाँ बहुत ऊंचाई तक नहीं फेंकना, अभी नहीं बहुत ऊंचाई तक फेंक दो,
एक सर्टेन लिमिट ऊंचाई तक अगर फेंक रहे हो तो तुम्हारे हाथ में आएगा ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कार की स्पीड और जो बॉल तुमने फेंका है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड दोनों आपस में बराबर हो जाती है, जिसके कारण तुम्हारे ही हाथ में, जैसे हम फेंक रहे हैं तुम्हारे ही हाथ में ये गिरेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फोर वाला होगा। फोर के बाद चलते हैं 17 के बाद 18 में, ये तो निकाल लेंगे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 18 के बाद 19 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, एच बाई कितना हो जाएगा एम 1 वी 1, एच बाई क्या हो जाएगा एम 2 वी 2। ठीक है, तो ये एच 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 क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी यानी वी 1 अपॉन वी 2 इक्वल टू एम 2 अपॉन M1, M2 upon M1, M2 कितना भैया 4 M है, M है तो 4 into कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिएगा सब अच्छे क्वेश्चन है। 19 के बाद 20 करा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द ऑसिलेशन एट डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है भैया 1/4 किसका, टोटल एनर्जी का, मैक्सिमम का मतलब टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/4 हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इन हो गया, ये कट गया ये कट गया, तो वाई इक्वल टू ए बाई टू, वाई इक्वल टू ए बाई टू। छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन वेरियस लिक्विड एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स के कारण हीट, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट When the sphere attains its terminal velocity. तो बेटा रेट ऑफ हीट को तुम लोग क्या कहता है, पावर। पावर क्या होता है बेटा, एफ वी। ठीक है, एफ क्या होता है, स्टोक फोर्स 6 pi eta rv। ठीक है, यानी इसका मतलब पावर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी का स्क्वायर। ये बताइए, ठीक है, पावर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। देखो बच्चो 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, तो ये क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब आर पे 4 या आर पे 5 कहां गया 1। 21 के बाद 22 चलते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ टू लाइट वेव्स आर वाई 1 इक्वल टू 8 साइन ओमेगा टी, देखिए y1 equal to 8 sin omega t, y2 equal to 6 sin omega t plus 5, then the ratio of maximum and minimum intensity will be maximum or minimum intensity. तो बेटा maximum और minimum intensity का ratio क्या होता है बता दो बेटा, I max upon I minimum जो होता है a1 plus a2 का whole square upon a1 minus a2 का whole square, a1 plus a2 कितना है 8 plus 6 upon 8 minus 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49:1 आ जाएगा। देखना इस पे क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ठीक है, अभी कहोगे सर ये हर क्वेश्चनों को कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसी में से कोई ना कोई 50 आएगा जितने टेस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 24 कह रहा है बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना विथ वेलोसिटी इतना, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो याद रखिए मैंने क्लास में बताया है फ्रिक्शन के कारण जो स्टॉपिंग टाइम होता है यू बाई म्यू जी बताया है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने क्लास में बताया है यू स्क्वायर अपॉन कितना 2 μg। देखिए म्यू भी पता है जी भी पता है, याद रखें सावधान, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 24 के बाद 25 में चलते हैं। सैटेलाइट कहाँ है, सैटेलाइट है मास एम ऑर्बिटिंग इन द अर्थ हाइट h, वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सर्फेस। तो आपको टोटल एनर्जी बतानी है, तो बताइए अगर कोई सेटेलाइट आर डिस्टेंस पे है अर्थ के सेंटर्स पे तो क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन, ठीक है ये होता है आर, जहां आर की वैल्यू कितना है आर ई प्लस एच। जी एम ई को क्या कहते हैं, जी एम ई को हम लोग कहते हैं, जी एम ई देखिए क्या होता है, स्मॉल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है जी एम ई बाई कितना होता है आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी नॉट आर ई का स्क्वायर, और ये देखिए यम रहेगा ही ऑलरेडी, और आर की जगह क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच। तो बोलो है कोई इक्वेशन, एकदम है, कौन सा है, बी वाला है। ठीक है ना, तो उसके बाद 25 के बाद 26 पे चलते हैं। क्या करा, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ का दिया है, इतना मस्त क्वेश्चन दिया है। ठीक है,
कि मतलब ऐसा सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मतलब बहुत कठिन भी ना हो और भाई आ भी जाए, तो ऐसा दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट डायग्राम करंट आई वन इज इक्वल टू -0.3, मतलब आई वन की वैल्यू माइनस, तो जब करंट माइनस दे दे इसका मतलब ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है, ऐसे उल्टा जा रहा है, क्या हो, यानी 0.3 एम्पियर इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है। आई फोर कितना दे दिया, आई फोर कहां गए, तो 0.8 गए। फिर आई फाइव कितना दे दिया, ये देखो 0.5 गया, 0.4 गया। ये देखो आई फाइव भी अगर 0.5 है तो आई सिक्स भी कितना होगा, 0.4, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, तो आई सिक्स देखो, आई सिक्स पूछा है तो आई सिक्स भी निकल गया 0.4, आई सिक्स क्या निकल गया 0.4। अब या तो वन सही होगा या तो फोर सही होगा, हाँ, क्योंकि देखो आई सिक्स सही है, तो देख लेते हैं वन और फोर में कौन सही है। अब आई थ्री आप निकाल सकते हैं, देखिए यहां से 0.8 जा रहा था, किरचॉफ का पहला रहा, 0.4 इधर चला गया, इसका मतलब इसमें कितना जाएगा, 0.8 में से 0.4 निकला, कितना गया 0.4, आई थ्री कितना हो गया 0.4। अब देख लो आई थ्री क्या है, 0.4 प्लस है, इसका मतलब यही वाला सही होगा। फिर उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, आई टू निकाल सकते हैं। आई टू के लिए देखिए इधर से भी करंट गया, इधर से भी करंट गया, और देख लीजिए इधर से भी, यानी तीनों करंटें आके मिल रही हैं बेटा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों करंटें आके मिल रही हैं बेटा, तो इसका मतलब आई टू इक्वल टू कितना हो गया, आई थ्री प्लस आई सिक्स, और ये देखिए ये माइनस आई वन कहेंगे तब जाके ज्यादा अच्छा लगेगा, माइनस आई वन, ठीक है, या प्लस है जोड़ दीजिए, क्या करना है, अभी सब लास्ट में प्लस कर देंगे हम। तो आई थ्री कितना हो जाएगा बेटा, आई थ्री कितना है 0.4, आई सिक्स कितना है 0.4, और ये कितना हो गया 0.3। देखिएगा माइनस मत करिएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, ये क्या हो गया 1.1, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा, पहला। 26 के बाद 27 पे चलते हैं। एक सिलेंडर है जिसका मास 3 kg है, रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट इतना, द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्या करेंगे भैया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये देखिए रोल कर रहा है तो रोलिंग एनर्जी क्या हो जाएगी ये, और ये रोल करते हुए स्प्रिंग से टकरा रहा है तो स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी कितनी होती है, हाफ के डैश एक्स का स्क्वायर, याद रखिएगा ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। अब हाफ एम वी स्क्वायर, मास दे दिया है 3, वी दे दिया है 36, ठीक है, 1 + k² सॉलिड सिलेंडर है तो ये क्या होगा 1/2, हाफ के डैश दे दिया है, के डैश कितना है 200। अब बताइए कैलकुलेशन करके एक्स निकाल लिए होंगे आप लोग, ठीक है। 27 के बाद चलते हैं 28 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देयर आर टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन आर सस्पेंडेड एट शोन, देयर यंग मॉडुलस आर y1 y2 रेस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस पूछ रहा है। तो ये देखिए आप जानते होंगे के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, ya/l होता है, क्यों भैया ये बताइए, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब k इक्वल टू k1 प्लस k2, क्यों भैया स्प्रिंग कांस्टेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो k इक्वल टू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा k इक्वल टू k1 प्लस क्या होता है k2। अब यहां क्या होगा जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इनका पैरेलल में yp, एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो ये एरिया एरिया दोनों जुड़ गया, कितना हो गया 2a, लेंथ वही रह रहा है, k1 क्या हो जाएगा y1a/l कितना l, k2 क्या हो जाएगा y2 ए बाई कितना एल, ए बाई एल कट गया, वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा, y1 + y2/2 हो जाएगा, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। 28 के बाद चलते हैं 29वां क्वेश्चन कह रहा मार्क द करेक्ट ऑप्शन, क्या भैया, व्हेन द ब्रांच ऑफ सर्किट कंटेनिंग बैटरी इज ओपन देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी सेम एज ईएमएफ, सही बात है, आप जानते हैं कि भैया हम ये क्लास में पढ़ाए हैं अगर ओपन सर्किट होती है तो जो उसका ईएमएफ होता है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सही, अच्छा कई हैं क्या लग रहा है, व्हेन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्टेड देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी 0, आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट मैंने क्लास में बताया है, शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में नहीं जाता है, यहां से घूम के ही चलाता है, तो बताइए वी इक्वल टू क्या होता है e-IR होता है, या वी इक्वल टू e-I कितना हो जाएगा e/r हो जाएगा, कट गया यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0, सही कह रहा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी चेंज बट ईएमएफ, ईएमएफ तो हमेशा क्या होता है, ईएमएफ तो उसका क्या होता है, कॉज है ना, कारण है ना, ईएमएफ तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है, तो इसलिए भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद 30 देखिए, 30 क्या कर रहा है, अच्छा दोनों समान करंट है तो समान करंट है बेटा, क्या देख लो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखो करंट की दिशा ऐसे है तो इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा ऊपर की तरफ, इसमें करंट ऐसे है
तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर। तो एक के कारण ऊपर की तरफ हो गया, एक के कारण क्या हो गया? अंदर। दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी क्या आएगा? जीरो। फिर चलते हैं 31। क्या करा था? स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड कैन सस्टेंड स्टेशनरी वेव। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग अगर दोनों सिरों पे होती है तो उसमें कैसे नोड और एंटी नोड बनता है? ऐसे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बताए हैं बच्चों? ऐसे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बताए हैं बच्चों? ये देखो ऐसे बताए हैं। बताए हैं कि नहीं? इसका सबसे अच्छा तरीका होता, मान लो लेंथ एल है तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होती है, तो एल इक्वल टू लैम्डा बाई क्या हो गया? टू। या लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? टू एल। तो इसी को हम लोग न इधर देखें ना उधर देखें, टू एल बाई एन कर दें। क्या कर दें? एन। एन फर्स्ट मोड रहेगा तो टू एल, सेकेंड मोड रहेगा तो टू एल बाई टू, थर्ड मोड रहेगा तो टू एल बाई कितना? थ्री। इसीलिए कौन सा सही है? तीसरा। 31 के बाद 32। A disc is rotating with uniform angular velocity. Which of the following is not true? देखिए uniform angular velocity यानी omega constant है, तो alpha क्या होता है? d omega upon dt। ये बताओ अगर omega constant होगा तो alpha हमेशा zero आएगा, alpha हमेशा zero आएगा तो angular acceleration is non-zero and remains same. Angular acceleration is non-zero, remains same. बाकी सब सही है, ठीक है। फिर देखिए 33 क्या करा है? A germanium specimen doped with the aluminium, the concentration of acceptor atom is 10 to power 21 atom per meter cube. Given that the intrinsic concentration, मतलब ये Ni हो गया है और ये क्या हो गया? NH हो गया। क्या हो गया? NH, the concentration of electron in the specimen. देख रहे हो ना भैया? देखो intrinsic concentration मतलब Ni हो गया, number of intrinsic carrier, और ये जो एक्सेप्टर, जितने एक्सेप्टर एटम होंगे उतने होल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए NH हो गया 10 पावर 21। अब आपको क्या निकालना है? Ni निकालना। तो आपको पता होगा NE NH इक्वल टू क्या होता है? Ni का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, NE NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। अब देखिए क्या निकालना है, NE निकालना है कि NH निकालना है? NE कम होगा क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? अरे होल होंगे। तो इसका मतलब Ni का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? NH। Ni कितना है भैया? 10 टू पावर 19 का मतलब 38 हो गया। NH कितना है? 10 पावर 21। 21 का मतलब कितना आएगा? 38 में से किस जाएगा? 7, यानी 10 पावर 17 आ रहा है, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या है बेटा? ए बुलेट लूज 5% ऑफ इट्स वेलोसिटी। बुलेट लूज क्या कर रहा है? जब एक प्लैंक से क्रॉस कर रहा है तो ये देखिए अगर इसकी वेलोसिटी u है तो 5% लॉस कर दे रहा है। 5% लॉस का उतने का मतलब कितनी रह रही है? 0.95 u रह रही है। क्यों भैया? भाई 5% लॉस कर गया तो 0.95 n बचा। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a, थिकनेस कितनी हो गई? t। तो v स्क्वायर कितना है? 0.95 u का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 280 हो जाएगा। माइनस 280 हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा हाउ द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर टू रिड्यूस द वेलोसिटी 50%। 50% का मतलब कितना हो गया भैया? 50% का मतलब 0.5, ठीक है। तो अब इसके लिए दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन का मतलब दूसरी कलर से यूज करते हैं। दूसरा इक्वेशन देख लीजिए कितना हो? 50% का मतलब 0.5 यू का होल स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2a। मान लो एक प्लैंक की मोटाई t है तो n प्लैंक की मोटाई कितनी है? t। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, यहां से 280 की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक ठाक आएगा। अगर मान लीजिए जैसे आंसर कौन सा है? c। अगर मान लीजिए 7 पॉइंट कुछ आ रहा है तो हम 8 पे टिक करेंगे, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है तो हम 7 पे टिक करेंगे, ठीक है। अब पूरा जा रहा है, एक्यूरेट वैल्यू आ जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल में आ जा रहा है तो उसके आगे वाले पे टिक करेंगे, क्योंकि भैया एक एक प्लैंक और हल्का सा कंसीडर किया जाएगा ना, तो अब उसको काटोगे नहीं ना, उसको पूरा कंसीडर करोगे। तो ये ध्यान देना, इसीलिए कौन सा आंसर है इसमें? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 34 के बाद 35। ध्यान दीजिए, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन आइडेंटिफाई द रॉन्ग रिलेशन। अब देखिए रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जेड इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट यक्सेल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो उसमें यक्सेल यक्सी
और आर नहीं बराबर होता है, एक्सएल और एक्सी खाली बराबर होता है, इसीलिए ये वाला गलत है। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, एक्सएल इक्वल टू आर थोड़ा होता है। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड आर के बराबर हो जाएगा, जेड क्या होगा, आर के बराबर, इसीलिए पहला। 35 के बाद 36 क्या है, इमेजिन ए न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी है, सेम डेंसिटी दैट ऑफ अर्थ बट इट इज द 3 times बिगर देन द अर्थ इन साइज, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस इज अर्थ इज जी एंड दैट ऑन द सर्फेस ऑफ न्यू प्लैनेट इज जी डैश। तो ये बताइए डेंसिटी के टर्म में मैंने आपको क्या है बताया होगा, ग्रेविटी 4/3 जी पाई आर रो, मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रो हो गया, सॉरी रो के टर्म में जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये बताओ रेडियस कितना हो रहा है, 3 गुना, साइज अगर 3 गुना बढ़ रही तो रेडियस बहुत बढ़ गई, इसका मतलब ग्रेविटी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, बस हो गया तुरंत। 36 के बाद 37, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, व्हेन एटम्स आर बम्बार्ड विद द अल्फा पार्टिकल ओनली फ्यू इन द मिलियन सफर डिफ्लेक्शन अदर पासेस अंडर अनडिफ्लेक्टेड, दिस इज बिकॉज, क्यों, क्योंकि बहुत ही सॉलिड रिजिड ये देखिए क्या होता है न्यूक्लियस होता है, तो मैक्सिमम तो पार कर जाते हैं और कुछ क्या होते हैं डेविएट हो जाते हैं कि नहीं, अब बहुत कम वापस भी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, 38 इंड्यूस ईएमएफ इन द क्वाइल डिपेंड्स अमाउंट किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्यों, फार्मूला होता है इच इक्वल टू क्या होता है -d5/dt, तो रेट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर उसके बाद 38 के बाद 39 देख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे इन द क्वाइल, आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है, इच इक्वल टू कितना होता है बेटा -d5/dt, चलो मॉड वैल्यू ले लेना, मॉड डिफरेंशिएट करो, टेन टी प्लस टू, टी की वैल्यू 1 रख दो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, टी की वैल्यू क्या आएगी 12। 39 के बाद 40 देख लीजिए, 40 क्या कर रहा भैया, टू वायर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एट 5 centimeters 5 meter डिस्टेंस, दे कैरी करंट ऑफ 2.5 ampere एंड 5 ampere। ठीक है भैया, तो ये देखिए इस तरह से है, टू वायर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एट 5 meter डिस्टेंस, दे आर कैरी करंट 2.5 ampere एंड 5 ampere इन द सेम डायरेक्शन, 2.5 ampere एंड 5 ampere इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये देखिए 2.5 ampere एंड 5 ampere सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर विल बी, तो ये क्या होगा, तो बेटा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण मान लो इससे डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, आर का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, 5/2, आर कितना हो जाएगा 5/2, तो मान लो इसमें करंट I1 मान लेते हैं, इसमें करंट I2 मान लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एक के कारण अंदर होगा एक के कारण बाहर, तो म्यू नॉट अपॉन 2π, इनफाइनाइट करंट ही ना होता है, I1 डिफरेंस I2 अपॉन कितना हो जाएगा R, I1 पता है, I2 पता है, R पता है, सब कुछ पता है, रख दीजिए आ जाएगा। 40 के बाद 41 क्या कर रहा है, एक कॉकरोच अ मास m/2 स्टार्ट मूविंग द वेलोसिटी वी ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ डिस्क, ये देखिए डिस्क है, ये देखो हम कॉकरोच बनाते हैं, ये कॉकरोच है, ऐसा कॉकरोच, ये देखो इसका 2 मूंछ है, कॉकरोच है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड r, व्हाट विल द एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर ये चलेगा तो सोचोगे भाई चलेगा, तो इसके विपरीत दिशा में ये भी चलेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके द्वारा एंगुलर मोमेंटम m v r, इसके एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा I ओमेगा, तो m v r, ठीक है, मास कितना है कॉकरोच का m/2, यहां रहने देते हैं m/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हाफ डिस्क है ना, तो m r² ओमेगा, m से m कटा, 2 से 2 कटा, 1 r से 1 r कटा, क्या बताना है भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r, ठीक है ना, ध्यान देना, और उसके विपरीत चलेगा 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग इन सर्कल देन द सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है mv² / r, ठीक है ना, अब इसको ऐसा चेंज करो कि l के टर्म में चेंज करो, छोटा लिखते हैं, तो l के टर्म में कैसे चेंज करोगे बताओ, बोलो
एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है एल, या वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन एम आर। चलिए वी की वैल्यू यहां रख दीजिए, एम एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एक एम सेम कट गया, एल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एम आर क्यूब, एम आर क्यूब थ्री। 42 के बाद 43 क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी डी ए थिन आयरन शीट होल ऑफ रेडियस आर इज मेड इन इट इन द मिडिल, इफ वी हीट अप द सीट व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ होल। तो बेटा मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया है कि जब भी बीच में होल हो और उसको हम हीट कर रहे हैं तो इसमें आइसोट्रोपिक इनलार्जमेंट होता है, जो आउटसाइड होता है बाहर की तरफ होता है, तो ये जो होल होगा वो बाहर एक्सपेंड करेगा, तो इसका मतलब इसकी साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, 44 सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी। ठीक है भैया, सिंपल पेंडुलम है, मान लो कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई कितना है जी। अब करा है कि वह निगेटिवली चार्ज है, चलो निगेटिवली चार्ज अच्छी बात है, और उसके नीचे क्या है प्लस चार्ज की शीट रखी गई है, तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो ये बताइए। ठीक है, mg कैसे लगेगा नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा ऐसे, ये बताइए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg डैश इक्वल टू mg प्लस qe, इसका मतलब अपेरेंट वेट g डैश बढ़ जाएगा, तो जब g डैश बढ़ जाएगा तो ये बताइए g डैश बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा। तो वाले इसके बाद 45 ए वायर ऑफ लेंथ l कैरिंग ए करंट i, तो ये देखिए वायर है लेंथ l है करंट i है, इसको सर्कल में बना रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है i a। ठीक है, i a कितना होता है पाई r स्क्वायर, अभी बताओ 2 पाई r किसके बराबर होगा बेटा, 2 पाई r l के बराबर होगा, r इक्वल टू l अपॉन 2 पाई, m इक्वल टू कितना हो जाएगा i पाई r कितना है l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आई एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई, तो है कोई ऑप्शन एकदम है। 45 के बाद 46 चल, चलिए 46 देख लीजिए, एलसीआर सर्किट है एवरेज पावर, हो सकता है इस साल इस पे क्वेश्चन आए, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, पावर पी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई, इन होता है बोलो वी नॉट कितना है 10, आई नॉट कितना है 2, कॉस फाई कितना है बोलिए कॉस फाई, अरे भाई दोनों का फेज डिफरेंस लेना पड़ेगा, देखिएगा ये भी साइन में है ये भी साइन में है, तो दोनों का फेज डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 12, यानी पाई बाई कितना आ रहा है 200 ऊपर नीचे करेंगे पाई बाई 12 आ रहा है, पाई बाई कितना आ रहा है 12, अरे भाई साइन 50t है और ये साइन 50t पाई बाई 12 है, एक मिनट फिर से देख लो माइनस कर रहे हैं सही ना, पाई बाई 6 दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हम पाई बाई 12 आ रहा है, पाई का मतलब 180 हो गया, 180 कितना हो गया 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12 यानी 15 डिग्री, यानी कॉस 15 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, कुछ आंसर सही नहीं है क्या भैया, कुछ गड़बड़ है क्या, देख लीजिए कुछ कोई चीजें ऐसा तो नहीं मिसिंग कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है नहीं, कोई माइनस प्लस का अंतर, पाई बाई 6 में से पाई बाई 12 गया, पाई बाई 6 में से पाई बाई 12 गया, पाई बाई 6 में से पाई बाई 12, एक लग रहा है कुछ मिसिंग है बेटा, इसको हम अभी सही करा देते हैं। ठीक है, अभी तो आप लोग टेस्ट दे नहीं रहे हैं तो एक मिनट उसको कहीं सही करा दिया जाए, सही कराने का मतलब इसको हम सोच रहे हैं कि माइनस पाई बाई क्या है 6 कर दें, क्या कर दें माइनस पाई बाई 6, ये देखिए माइनस पाई बाई 6 कर दें, माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो फेज डिफरेंस जब निकालेंगे तो 50 फीट टू कट जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस करने के बाद 12 एलसीएम आएगा 6 से 2 3 पाई यानी पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा क्लास में आपको करा दिया जाएगा ये, हाँ इसको माइनस करा दिया जाएगा, ये देखिएगा माइनस करा दिया जाएगा, देखिए क्लास में माइनस करा दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चा, जब माइनस करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और एकदम बल्ले बल्ले कॉस पाई बाई 4, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया 10 कॉस पाई बाई 4 का मतलब 1/√2 यानी 10/√2। 46 के बाद 47 चलते हैं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड 1 मीटर, हाँ ऑब्जेक्ट दिया है O इक्वल टू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, U इक्वल टू दिया है -100, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर F इक्वल टू -r/2 -10 करा द साइज आई बताना है, तो मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर के लिए बस एक बात याद रखना मेरी, M इक्वल टू Y / O इक्वल टू या अपॉन या -u,
हमने कहा था यही इसका क्या है मेन है, आई निकालना है, ओ दिया है, यफ माइनस टेन है, नहीं नहीं यफ माइनस टेन है, माइनस टेन है, यू कितना है प्लस हंड्रेड है, आ जाएगा आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ देख लेना उसी के आसपास आएगा। 47 के बाद 48 देख लीजिए क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव रीचिंग एट द लोकेशन ऑफ थर्ड आर्क फ्रिंजेस, फेज डिफरेंस ये बताओ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू यन माइनस हाफ लेमडा हो जाएगा। का है थर्ड है, थ्री माइनस हाफ लेमडा का मतलब छह में से गया 5/2 लेमडा। अब बताइए फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाइव 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो 2π/λ ये आ गया, डेल्टा एक्स क्या आ गया 5/2λ, 2 से 2 कटा यानी कितना बचा 5/2λ, 5π, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन क्या करा है बेटा, रेडियस दे दिया है vn, करा है करंट क्या होगा, तो ये बताओ करंट क्या होता है इक्वल टू e/t होता है, ये बताओ t क्या होता है 2πr/v। अब देखो ये v में e स्क्वायर क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर, चलो r क्या है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर, ये देखो e स्क्वायर, तो अब देखो e स्क्वायर यानी क्या हो गया e पे 5 हो गया। 49 के बाद 50 क्वेश्चन करा, ये देखिए 1s2 1s3 मिलके 2he4 n, इतनी हीट निकल रही है, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो करा कितना टेम्परेचर होगा, तो बेटा कुछ नहीं करना है इसके लिए, आप जानते हैं e इक्वल टू कितना होगा 3/2 kT, e कितना हो जाएगा 7.7 × 10⁻¹⁴, और ये 3/2 k कितना हो जाएगा बेटा k, देखिए k बोल्टजमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻²³, और ये t आ जाएगा, यहां से t की वैल्यू आप निकाल लीजिए 4 वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हो गए, जो करेक्शन है अभी क्लास में करेक्शन करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, और आंसर जो करेक्ट है उसको भी करा दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों।